अब तक किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आए हैं, लेकिन इस बार बात हो रही है एक दूसरे आंदोलन की और इसे खुद करने वाले हैं देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह। ये आंदोलन जुड़ा है FPO से, जिससे किसानों की आय बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। अगर आप किसान हैं, आपके अंदर बिजनेस करने के गुण हैं और खेती बाड़ी से जुड़ा ही कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो FPO बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से करीब 8,800 FPO बन चुके हैं और 2,200 FPO बनने बाकी हैं। ऐसे में खेती के साथ साथ जो किसान कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए FPO एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन सकता है। FPO से जुड़ी अच्छी बात यह है कि हाल में दिल्ली में हुए FPO मेला में खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि किसानों की मदद करने वाली इस स्कीम को आंदोलन के स्तर पर किसानों तक पहुंचाया जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा है कि FPO स्कीम की समीक्षा की जाएगी और इसे आंदोलन की तरह पूरे देश भर के किसानों के बीच पहुँचाया जाएगा, जिससे उनकी आय बढ़े और वो इस स्कीम का फायदा उठा सकें। पर मुझे खुशी है कि FPO का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। एक तो शुद्ध उत्पाद, मेहनत से बनाए हुए, खुद की प्रोसेसिंग और खुद बेच रहे हैं। हर एक ने अपना टर्नओवर बताया, किसी का 1 करोड़, किसी का 50 लाख, जिन्हें अभी अभी शुरू किया है तो कोई 5-10 लाख का भी है, और उनको ऑनलाइन ऑर्डर भी अब मिल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में अगर क्रांति लानी है और किसानों की आय तेजी से बढ़ानी है तो इस तरह के प्रयत्न FPO के माध्यम से उत्पाद करना, प्रोसेस करना और बेचना निश्चित तौर पर एक तरफ उपभोक्ता को, ग्राहक को भी फायदा देंगे और दूसरी तरफ किसानों की आय भी बढ़ेगी। मैं किसानों के इस प्रयास और FPO के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। लेकिन हमने तय किया है इस बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि पूरे देश में ऐसे 22 मेले लगाए जाएंगे जहाँ FPO अपने उत्पाद को बेच सकेंगे, उनकी मार्केटिंग भी हो सकेगी। एक बार अगर इस उत्पाद को खरीद लिया तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी उनको मिल सकेंगे, क्योंकि जो एक बार लेके जाएगा खरीद के वो फिर मुझे लगता है बार बार मंगाएगा, इसलिए मेले बहुत उपयोगी। FPO, जिसकी फुल फॉर्म है फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी और इसे किसान उत्पादक संगठन के नाम से भी जाना जाता है, 10 किसान मिलकर एक FPO बना सकते हैं और बाद में इसमें और किसानों को भी जोड़ा जा सकता है। एक FPO को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज़्यादा सदस्य बनाने होते हैं। इसके लिए सरकार 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देती है। ये FPO खेती में उगाए जाने वाले सामानों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उनको बेचने के लिए बनाया जाता है। FPO एक तरह से किसानों की और उनके द्वारा ही संचालित एक कंपनी होती है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। FPO को चलाने के लिए सरकार से 18 लाख रुपए की मदद मिलती है। हालांकि सरकारी मदद मिलने के बावजूद किसानों को FPO चलाने में कई बार फाइनेंस से संबंधित दिक्कतें आती हैं, जिसके समाधान पर विचार किया जा रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि FPO को चलाने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए इस दिशा में पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि किसान इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकें। किसानों की आय भी बढ़ेगी। मैं किसानों के इस प्रयास और FPO के इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। कुछ सुझाव जरूर आए, जैसे अभी कई FPO जब उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट जो लोन देने वाले हैं उन संस्थाओं के पास जाना पड़ता है, इसकी ब्याज की दरें थोड़ी अधिक होती है। कुछ लोगों ने यह बताया कि इंफ्रा के लिए अगर कुछ और उनको सहायता मिल जाए, सहायता मीन्स लोन ही मिल जाए, तो हम लोगों ने सुझाया कि एग्रो इंफ्रा फंड से वो पैसे ले सकते हैं, प्रोसेसिंग के लिए और लोन मिल सकता है आसानी से। एक पैकेजिंग की बात भी आई तो पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी देने का प्रयास चल रहा है। कुल मिला के FPO का आंदोलन अब गति पकड़ रहा है। कई FPO 3 साल में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं, उनका टर्नओवर भी अब कहीं ने आपके सामने बताया 1 करोड़ भी बताया, 70-80 लाख, 50 लाख भी बताया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको संघर्ष करना पड़ता है। अब लगभग 3 साल हो रहे हैं, तो एक बार FPO के इस आंदोलन की हम पूरी समीक्षा करेंगे, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, कमी क्या है और गैप्स कहाँ है। FPO के तहत कंपनी बनाने, उपकरण खरीदने, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है।
एफपीओ के तहत कई और कैटेगरी हैं, जैसे मशीनरी या दूसरी योजनाओं के तहत भी सब्सिडी मिलती है। एफपीओ बनाने से संबंधित जानकारी के लिए आप कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं, साथ ही लघु कृषि व्यापार संघ यानी एसएफएसी और नाबार्ड से भी आप एफपीओ की जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आप भी गांव में रहकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े शुद्ध और सेहतमंद प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो एफपीओ की स्कीम आपके बेहद काम की साबित हो सकती है। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।